भारत अब चांद पर पहुंच चुका है, अब है सूरज की बारी। चंद्रयान सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हम चांद पर लैंड किए थे वैसे सूरज पर तो लैंड नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 में भारत के इतिहास में एक अहम दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं, आदित्य का मतलब है सूरज, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बल्कि कुछ याद हो या ना हो पर न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। आसान भाषा में कहे तो सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को इफेक्ट करती है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को इफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, जिन्हें ऐसे नाम दिया गया है। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस को कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं, इसलिए इसे स्पेस मिशन के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L पॉइंट पर होने वाले पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को एब्जॉर्ब करने के लिए मानो फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि L1 पॉइंट पर रहने के लिए सबसे कम फ्यूल लगता है। आदित्य L1 में 7 उपकरण है, जिसमें से 4 सूरज को स्टडी करेगा और 3 L1 पॉइंट को एब्जॉर्ब करेगा। इस मिशन के जरिए हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात और सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे 380,000 किलोमीटर दूर है और सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा दूरी हम इस मिशन में तय करेंगे। सब कुछ मिलाकर इस मिशन का कॉस्ट लगभग 400 करोड़ होगा। सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट तक का समय लगता है, लेकिन आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, वहीं आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव रहेगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है, यूरोप के स्पेस एजेंसी का सोहो भी वहां ऑलरेडी मौजूद है। आदित्य L1 काफी लंबा है और इसके ऑब्जेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज के एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटो में आपको दिखने वाला ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कभी कैंपिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती रहती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी गर्मी कम होगी। क्या आपको पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन ये अभी भी एक मिस्ट्री है। ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों है? चंद्रयान 3 भारत के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि साबित हो गया है कि हम भी किसी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में ह्यूमन मिशन प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग अलग किस्म का चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा होता है और फेलियर का चांसेस जीरो होता है। इसलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रसिया और चाइना। देखा जाए तो इनकी इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सुरक्षित चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है। लेकिन आदित्य L1 इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रो, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन,
चाइना का एडवांस स्पेस बेस सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ रसिया, जर्मनी, यूके और जापान ने भी अपने मिशन लॉन्च किए हैं। यानी हर इम्पोर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाले इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटीज के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल हर 11 सालों में रिपीट होता रहता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारे पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पीटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% एब्जॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एज अ स्पीसीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।